शेयर करते हैं LMS पे आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा LMS की और जो कोर्स के एनरोलमेंट लिंक था जो मैंने मेल कर चुकी हूँ आपको, आपने ज्वाइन कोर्स तो कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लें। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये व्यू आएगा, स्क्रीन शेयर आपके सामने हो रही है। यहाँ पे आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कोर्स आउटलाइन दी हुई है यहाँ पे, और ये दो बुक्स दी हुई हैं। इसमें ये एक लिंक है जिस पे आपके क्लिक करेंगे तो आपकी एक बुक ओपन हो जाएगी। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपका इस लिंक पे आपने जाना है। इस लिंक पे आपकी ये उस बुक का, वैसे आपको PDF की फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये लिंक मैंने दिया है। यहाँ से आप उसके बुक का सारे चैप्टर गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में क्लिक करती हूँ, इसके आपने लिंक, रिसोर्सेज, एक्सरसाइज, कोई भी चीज लेनी है तो वो आपको यहाँ से अवेलेबल होगी, आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। और इसका कंबाइन, इसके अलावा लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल है और लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं, और इसके अलावा PDF भी अवेलेबल है सॉफ्ट फॉर्म में अगर आप यूज करना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड बुक है ये डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, यहाँ से मैं बहुत सी चीजें करवाऊंगी। ये हमारी कोर्स बुक है जो के बुक को मैं रेफर करती रहूंगी, और ये डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स एक बुक है जहाँ जिनमें से मैं कुछ कुछ मटेरियल जहाँ पे मैं आप बताऊंगी, मैं कोट करूंगी कि आपने, ये नॉर्मान की बुक है, इस बुक में से कुछ चीजें करनी है, तो वो बुक का पेज नंबर, चैप्टर नंबर मैं आपको मेंशन कर दिया करूंगी, आपने ये बुक से करनी है वो चीजें। ये आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PDF आ जाएगा, और वो PDF फॉर एग्जाम्पल जहाँ मैं क्लिक करती हूँ तो आपने ये PDF जो है अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। HCI के लिए हम ये दो बुक फॉलो करेंगे। उसके अलावा कोर्स के साथ साथ मैं आपको अगर किसी भी लेक्चर के रेलिवेंट कोई रिसर्च पेपर होगा तो वो मैं रिसर्च पेपर साथ दे दिया करूंगी आपको उस लेक्चर के लिए, और वो रिसर्च पेपर आपने पढ़ना होगा, जिस लेक्चर में हुआ करेंगे वो मैं उसी में ऐड कर दिया करूंगी। और उसके अलावा कोई हैंडआउट्स होते हैं तो वो भी मैं उस लेक्चर में दे दिया करूंगी। अभी के लिए ये बुक है और ये हमारा वीक 1 चल रहा है, और वीक 1 में हम ये लेक्चर पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो था फर्स्ट, ये लेक्चर है बैकग्राउंड का और बहुत इजी से लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है कोर्स का। इंट्रोडक्शन लेक्चर जो था उसकी ज्यादा थी, स्पेस ज्यादा ले रहा था, इसलिए मैंने गूगल ड्राइव का लिंक जो है इसके शेयर किया हुआ है, मेरे पास ड्राइव में पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप कर लेंगे ये लेक्चर। सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके पास कोर्स आउटलाइन डाउनलोड हो जाएगी, उसे ओपन करें। उसको डिस्कस करने के बाद, थोड़ा सा देखने के बाद आपको आइडिया होगा, फिर हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये आपको मेरा ईमेल आईडी यहाँ से मिल सकता है, अगर आपने कोई ईमेल करनी हो मुझे किसी भी चीज के बारे में। यहाँ पे हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के नाम दिए हुए हैं, इनके ऑथर सेम है। इसके अलावा ये डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग बुक है जो मैंने आपको PDF में दी हुई है, यहाँ से हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है कोर्स का जो कि आज के लेक्चर में हम करेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट चीज होती है, असेसमेंट क्राइटेरिया। आपका जो ये कोर्स है इसमें कैसे एवेलुएट किया जाएगा आपको? असाइनमेंट पे 5% वेटेज होगी, जितनी भी असाइनमेंट्स मैं लूंगी उनकी ओवरऑल 5% वेटेज होगी। क्विजेस जितने भी लूंगी उसके 10% वेटेज होगी। वो तो आप अभी 6th 7th सेमेस्टर में है तो आपको आइडिया हो चुका होगा वेटेज क्या होती है। और
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग माइंड में, तो आप अपने पास नोट करते जाएं, लास्ट में मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कर दूंगी। इसके अलावा क्विजेस की 10% वेटेज होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 क्विजेस लेती हूँ तो ओवरऑल जितने भी हो सकता है वो 500 मैथ्स के हों, लेकिन ओवरऑल उसको 10 जो आपके 100 में से 10% उसकी वेटेज होगी। मिड टर्म 25% होगा। प्रोजेक्ट होगा आपका कोर्स का जो कि 20% वेटेज जिसकी होगी। और इंशाल्लाह ये हम सेकेंड वीक से स्टार्ट कर देंगे इस प्रोजेक्ट पे काम करना। ये प्रोजेक्ट भी आपका डिफरेंट पार्ट्स की फॉर्म में होगा। प्रोजेक्ट स्टार्ट सेकेंड वीक से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और ये मैं आपको सब टास्क दिया करूंगी प्रोजेक्ट में, जो कि खुद से आपने चूज करना होगा कोई प्रोजेक्ट, और उसमें सब टास्क आपने इस वीक में इस डेडलाइन पे ये टास्क देना है पूरा। ये ना हो कि लास्ट पे एट ए टाइम आपने सारा इकट्ठा करके रखा हो और वो आप उसमें से कुछ भी ना किया हो, लास्ट पे डेडलाइन पे आप उसको कर रहे हो और वो इस फॉर्म में सबमिट करवाए, ऐसा नहीं होगा। हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे और वो टास्क की डेडलाइंस हुआ करेंगी और एंड पे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट सबमिशन होगी उसकी। 20% इसकी वेटेज है। फाइनल टर्म 40% होगा और ये ओवरऑल आपका क्राइटेरिया बन रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये आपका आउटलाइन लेसन प्लान दिया हुआ है कि हर लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। डिफरेंट रिसर्च पेपर डिस्कशन आपको क्लास एक्टिविटी करवाई जाएगी, दिया होगा कि क्या करना है। अच्छा, इसको डिस्कस करने के लिए हम ये आप यहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हमने इस सारे में क्या पढ़ना है, ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। मैम वो स्क्रीन एलएमएस पर ही थी, जी, मतलब रुकी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, समझ आ गई है। ठीक है, सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मींस आउटलाइन नहीं थी खुली आई थिंक। अच्छा बेटा आप डाउनलोड कर लें। मैम वो एलएमएस पे ही स्क्रीन जो थी ना स्टिल थी। ठीक है, ओके, आपको मैं दोबारा से शेयर कर देती हूं। अभी शो हो रही है आपको? यस मैम, अभी शो हो रही है। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि हमारे कोर्स में ये आपको ईमेल आईडी, ये सारी आउटलाइन अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके अपने पास डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सी बुक फॉलो करेंगे, ये बुक अवेलेबल है और ये बुक ऑनलाइन आपको अवेलेबल है जो कि मैंने दे दिया है। इंट्रोडक्शन में हम आज का लेक्चर करेंगे जो कि इस कोर्स का इंट्रोडक्शन होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है असेसमेंट क्राइटेरिया, जो आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट होती है, जिसके अंदर हमारे 5% जो होगा वो असाइनमेंट होंगी, 10% क्विजेज होंगे, 25% मिड टर्म होगा, 20% प्रोजेक्ट होगा। ये प्रोजेक्ट हम सेकेंड वीक में स्टार्ट कर देंगे और ये डिफरेंट टास्क की फॉर्म में करेंगे स्टेप बाई, जिसकी हर टास्क की डेडलाइन हुआ करेगी, वो आपने उस डेडलाइन पे सबमिट करवाना होगा और इन दी एंड ओवरऑल इसकी वेटेज 20% होगी और फाइनल टर्म 40% होगा। और आगे इसके कोर्स आउटलाइन और लेसन प्लान दिया हुआ है, जिसमें हर लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे, क्या कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कोर्स इंट्रोडक्शन आपका एक लेक्चर होगा, जिसमें हम कवर करेंगे कि क्या एक्चुअल आपको समझ आएगी कि कोर्स में क्या है। हम अगर इसको शेयर करते हैं, ये कर देती हूँ, अभी आपको शो हो रहा है? Yes, ma'am, sure. आपको स्लाइड्स शो हो रही हैं? Yes, ma'am, हो रही। अच्छा, एक तो हमारा HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हमने क्या पढ़ना है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में बहुत से सॉफ्टवेयर के फेलियर की वजह से बहुत से नुकसान होते हैं। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा कि सॉफ्टवेयर के एक छोटे से फेलियर की वजह से बहुत से क्रैशेस हुए हैं, बहुत से एरियन फाइव इवन बहुत बड़े बड़े बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती है, ह्यूमन लाइफ जहाँ इन्वॉल्व होती है उस जगह पे सॉफ्टवेयर के फेलियर की वजह से ह्यूमन की डेथ हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक तो आपके बिलियन डॉलर जाया जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ी होंगी। अब सॉफ्टवेयर की छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। हम समटाइम्स हमारे इंटरफेस इस तरह से बनाए हुए होते हैं कि वो एक ह्यूमन जो होता है उसके माइंड की जो कैपेबिलिटी होती है वो उसको परसीव किसी और तरह से कर रहा होता है और उसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो कोई और होता है। तो इंटरफेस ऐसे होने चाहिए चीजों को। इंटरफेस क्या होता है आपके दिमाग में, कोई भी नॉर्मल कोई भी चीज का हो सकता है, जरूरी नहीं हम अभी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मैं जनरल लाइफ की बात करती हूँ किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक फैन शो हो रहा है, यहाँ पे फैन का बटन है, मुझे पता है कि ये नीचे करने से प्रेस होता है और ऊपर करने से ऑन होता है और ऊपर करने से ऑफ हो जाता है। अब ये मेरे माइंड में फिट हुआ हुआ है। अगर किसी ने इसको ऐसे बना दिया, फॉर एग्जाम्पल उल्टा लगा दिया है, अब वो ऊपर करने से ऑन हो रहा है, तो मेरे माइंड में वो वैसा उसका नहीं था माइंड सेट। अब मैंने उसको प्रसीव किया कि ये नीचे करने से ऑन होगा लेकिन वो वैसे नहीं हुआ, तो ये एक रॉन्ग इंटरफेस की एग्जाम्पल है, गलत बनाया गया है। हमें इंटरफेस ऐसे बनाने चाहिए जो कि यूजर का माइंड, जो यूज करने वाला है उसके माइंड की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको माइंड में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरफेस को डिजाइन करना होता है। क्या है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हम डिजाइन ऑफ कंप्यूटर इंटरफेसेस की बात करते हैं। अच्छे इंटरफेस कैसे बनाए जा सकते हैं, इंटरफेस के डिजाइन को बना के अवेलुएट करना है। अब हम कहते हैं कि हम एक अच्छा इंटरफेस, पहले फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये स्विच का डिजाइन था, या मेरे पास एक मार्कल है, मैं कहती हूँ ये मार्कल जो है ये एक अच्छा डिजाइन नहीं है, मैं इसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ। अगर मैं इम्प्रूव करती हूँ, मैं किस बेस पे कह सकती हूँ कि ये जो मैंने नया बनाया है वो अच्छा है? इसको कहने के लिए मेरे पास कोई चाहिए कि किस बेस पे कह रही हूँ। अब उसकी अवेलुएशन की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लोग लेती हूँ, 20% को मैं पुराना मार्कल देती हूँ, 20% को नया मार्कल देती हूँ। सेम केस हम इंटरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंटरफेस एक मैं कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का इंटरफेस है, अगर मैं कह देती हूँ वो अच्छा नहीं है, या यूट्यूब है, मैं कहती हूँ कि ये इंटरफेस इतना बेटर नहीं है, इस इंटरफेस को अगर इम्प्रूव कर लिया जाए तो ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत बेटर होगा। अब मैं जिस बेस पे ये बात कर रही हूँ और मैं इम्प्रूव करती हूँ, अब अगर मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो उसको सक्सेसफुल होना चाहिए। अब सक्सेसफुल क्या होगा, कब होगा, जब यूजर उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब यूजर इधर मुझे वो काम सारा करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी मैं अवेलुएशन करती हूँ, यूजर से अवेलुएट करवाया जाता है। कुछ लोग को पुराना इंटरफेस देके, कुछ को नया इंटरफेस देके उनसे टास्क परफॉर्म करवा के देखा जाता है उनके लिए कौन सा ज्यादा बेटर है। अगर वो पुराने में ही कंफर्टेबल है, इसका मतलब है आपका काम ठीक नहीं हुआ या आप उसमें कुछ और चेंजेस करें, कुछ और इम्प्रूव करें, तो ताकि वो उसमें ज्यादा न्यू वाला जो है इंटरफेस उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। हम इंटरफेस की बात करते हैं इस कोर्स में कंप्यूटर के इंटरफेस की, लेकिन हमारी हम नॉर्मल लाइफ पूरी हर जगह पे ये जितनी भी बातें होंगी पूरी नॉर्मल लाइफ में कहीं पे भी अप्लाई की जा सकती हैं। इस कोर्स में जितनी भी बातें होंगी, जैसे मैंने आपको मार्कर की एग्जांपल दी, मैंने आपको बटन ये स्विच की एग्जांपल दी, किसी भी चीज पे अप्लाई की जा सकती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये सारा कोर्स जो है इसके लिए एक वर्ड अगर सोचूं कि क्या वर्ड हो सकता है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, अगर मैं कहूँ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है कोर्स, उसका एक वर्ड में बताएं कि क्या है ये चीज, किस बारे में बात होगी, क्या कोर्स है। कोर्स का आपने नाम चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ आपने कोर्स का नाम चेंज करना है, और जैसे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन थ्री वर्ड्स है, आप इसकी जगह पे एक वर्ड रखते हैं, एक वर्ड आपने रखना है, तो आप क्या कैसे क्या जा सकते हैं, आपके माइंड में कुछ सजेशंस आएंगी कि इसकी जगह में सेम मीनिंग दे। जैसे हम रिफ्रेस करते हैं, सेम मीनिंग दे, मीनिंग चेंज ना हो हम, लेकिन एक वर्ड यूज करना चाहते हैं। अगर मैं इस सारे कोर्स को एक वर्ड में डिस्क्राइब करती हूँ तो वो है
डिजाइन, हम इस सारे कोर्स में डिजाइनिंग की बात करेंगे। बैकएंड से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम इस पूरे कोर्स में डिजाइनिंग की बात करेंगे। और डिजाइनिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है, शायद अभी तक आपके माइंड में ऐसा नहीं हो कि डिजाइन क्या है, फ्रंट एंड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है आप कहें, या कोई ऐसी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। हमें शायद आप लोगों में से कुछ के माइंड में ये बातें हों, लेकिन ये कोर्स पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, या इसमें क्या चीजें किस हद तक एक डिजाइन की मिस्टेक्स की वजह से आपके बिलियन डॉलर का नुकसान होता है, आपके पूरे सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाते हैं, आपके मार्केट में प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं वो यूजर एक्सेप्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल यूजर ने आप यूजर के सामने जो चीज आती है, वो व्यू आती है, वो यूजर इंटरफेस होता है, अगर वो इंटरफेस को ही फ्रंट एंड को डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो आपकी प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप वॉशिंग मशीन लेके आते हैं घर में, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेके आए हैं, आप थोड़ा सा एक ह्यूमन की नेचर है, इंसान की साइकी है कि वो मैनुअल नहीं करता। अगर आपने नया मोबाइल परचेज किया, शायद बहुत कम लोग होंगे आपके में से जिन्होंने मैनुअल पढ़ते होंगे, कोई भी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले शायद 1% लोग होंगे जो कि मैनुअल पढ़ते होंगे। हमारी ये साइकी होती है कि हम उसे हिट एंड ट्रायल पे करते हैं, मैं पावर का बटन ढूंढूंगी कहीं पे, इधर उधर देखूंगी और पावर के बटन को ऑन करूंगी और आगे चलाना शुरू कर दूंगी कि इसको क्लिक करने से क्या होगा, इसको क्लिक करने से क्या होगा। सेम एज जैसे मैं वॉशिंग मशीन की बात कर रही हूँ, मैं पहले उसे ऑन करके देखूंगी ये वाला जो बटन है क्या कर रहा है, ये वाला बटन क्या कर, मेरे माइंड में ऑलरेडी कुछ परसीव मैंने अपने माइंड में बनाया हुआ है, उसकी शक्ल देख के मैंने उससे परसीव कर लेती हूँ कि इस बटन का मतलब ये होगा। अब जब मैंने परसीव कर लिया तो मैं उसको जब ऑपरेट करती हूँ, अगर वो अकॉर्डिंग टू डेट फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बटन देखा, मोबाइल नया परचेज किया है, पहले मोबाइल पे ये पावर का बटन होता था तो मैंने सपोज कर दिया ये पावर का ही होगा, अब नया उन्होंने वर्जन आया, उन्होंने चेंज कर दिया, वो पावर का बटन नहीं था, मैं अब उसको प्रेस करती हूँ उससे कुछ और हो गया, तो मुझे तो मैंने जो परसीव किया वैसे नहीं हुआ, मैं इस बात से इरिटेट होगी। एक यूजर जो है वो इस बात से इरिटेट होगा, अनाए होगा, वो दो तीन ट्रायल करेगा, वो डिफरेंट तरह की चीजें परफॉर्म करेगा, दो तीन दफा अनसक्सेसफुल अगर होगा जो उसने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाया है, उससे आउटपुट वैसी नहीं आएगी, वैसी ही फंक्शनैलिटी नहीं होगी, तो वो उसे तंग आके छोड़ देगा यूज करना। तो अगर यूजर आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो आपकी प्रोडक्ट टोटली फ्लॉप है। आपने बेशक बहुत अच्छा बैकएंड बनाया होगा, आपने डेटाबेस बहुत अच्छी बनाई है, आपने सारा काम बहुत अच्छा किया हुआ है, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग सब कुछ बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन जब यूजर ने उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मेनली जिन लोगों ने यूज करना है उन्होंने ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो सारा फजूल गया, खत्म हो गया, उस चीज की कोई वर्थ नहीं है। अच्छा, आपके सामने यहाँ पे एक चीज स्लाइड पे कुछ शो हो रहा है, क्या लग रहा है आपको ये क्या चीज होगी? स्टिकी नोट। अच्छा जी, ये एक स्टिकी नोट है। अब स्टिकी नोट क्या है? एक पेपर है, छोटा सा पेपर का पीस है और ग्लू है, इसी से मिलके बनता है ना स्टिकी नोट। अब इससे क्या होता है देखें, ये एक इन्वेंशन है जिसमें सिर्फ क्या है, एक छोटा पेज है, पेज का पीस और ग्लू यूज हुई हुई है, लेकिन ये एक ऐसी इन्वेंशन है 3M कंपनी ने ये बनाया था। आपने गूगल करना है कि 3M स्टैंड फॉर कंपनी के बारे में आपने पढ़ना है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी ये कौन सी कंपनी है। आपने पढ़ना है कि 3M कौन सी कंपनी है और इसके बारे में डिटेल आपने पढ़ के आनी है। अच्छा, 3M कंपनी ने स्टिकी नोट बनाया। स्टिकी नोट क्या है, कोई खास बात तो नहीं है इसमें, एक पेपर का टुकड़ा है छोटा सा और ग्लू लगी हुई है हल्की सी। मेन बात क्या चीज है, उन्होंने फील किया इसकी जरूरत को। अब देखें, उन्होंने वो बिलियन डॉलर इससे कमा रहे हैं, उन्होंने ये बनाया और इसको पेटेंट रख लिया। पेटेंट का पता है क्या होता है, जैसे आप कॉपीराइट रख लेते हो, मेरा डिजाइन है तो डिजाइन की पेटेंट करवाए जाते हैं, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। कॉपी नहीं कर सकता, अगर 3M ने ये बनाया है तो कोई और उसको
नहीं बना सकता, ये उनका पेटेंट है, उनका डिजाइन है। अगर कोई और बनाता है तो वो केस कर सकते हैं और लीगली उनको अलाउ नहीं होता किसी और को बनाना। अब वो इससे बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। अब कोई इतनी इसमें साइंस को इन्वॉल्व नहीं थी, एक पेज था और ग्लू थी। अब पेज का साइज वो देखें, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने इसकी नीड महसूस की। अब हर बंदे को ये फील हो रहा था, बिलियन लोग होंगे जिनको ये फील हो रहा था, लोग पेज अपने पास रखते होंगे अपने टास्क लिखने के लिए, डिफरेंट तरह के काम करते होंगे अपने टास्क को सेव करने के लिए, टू डू लिस्ट बनाने के लिए। अब लेकिन किसी ने इस तरफ माइंड नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने सोचा इसकी नीड है क्योंकि बहुत से लोग ये कर रहे होते हैं, देन उन्होंने इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर दिया कि ये पीस। और ग्लू देखें ना तो वो इतना स्टिक हो कि वो पेज जिस जगह पे लगाए उस जगह पे चिपक जाए और पीछे से फट ही जाए, उतरा ना जाए। वो एक लाइट सा उन्होंने लगाया, ना ही इतना वो हल्का हो कि वो गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे पेस्ट करना है इसको वाल पे, ना तो वो इतना हार्ड हो कि वो बाल को ही गंदा कर दे, जब मैं उतारूं तो वो उसी पे निशान रह जाए, और ना ही वो इतना लाइट हो कि वो गिर जाए और मैं रिमाइंड याद माइंड में ना रख सकूं। तो ये देखें, अब उन्होंने इसकी नीड को महसूस किया और ये बना दिया, और अभी वो बिलियन डॉलर इससे कमा रहे हैं, उन्होंने पैटर्न बना दिया। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता होता है, हमारे इर्द गिर्द इतनी चीजें होती हैं जिसमें हम सफर कर रहे होते हैं। मेनली बात कहाँ आती है, हम चीजों में सफर कर रहे होते हैं, हमें मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम उसको में कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहे होते। हम एक चीज जो मैं महसूस कर रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ कि इसमें मसला है, मेरी तरह बहुत से और लोग, आप एक पर्सन को फील कर रहा है तो बहुत से मिलियन और लोग भी उस पूरी दुनिया में किसी न किसी कोने में उस चीज से गुजर रहे होंगे। लेकिन एक बंदा इनिशिएटिव लेने वाला होता है जो कि वो ये सोचता है इस चीज को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, वहां से आपकी स्टार्ट होती है। आपने उसकी नीड को फील किया और एक ये है कि आप गुजार जाओ उस प्रॉब्लम को, अडाप्ट कर लो, अच्छा ये मसला मुझे आ रहा है, मैं इसी मसले के साथ जिंदगी गुजारना सीख लेता हूँ, एक ये चीज है। दूसरी ये चीज कि आप कहते हो कि मुझे एक मसला आ रहा है तो मैं उस मसले को इम्प्रूव करता हूँ, इसको मैं कैसे बेटर बना सकता हूँ, इस चीज का सलूशन क्या कोई पॉसिबल है। आप उस सलूशन को सोचते हो और फिर उस सलूशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, उसको बेटर बनाते हो, उससे ना सिर्फ ये आपका सलूशन रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन आपकी तरह के बहुत से और जो लोग होते हैं जिनको सेम प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं, वो उनकी वो मसले भी सॉल्व हो जाते हैं और आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो जिससे बहुत से लोग के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, और आप उसे अपना पेटेंट बना सकते हो, बिलियन डॉलर उसे अर्न भी कर सकते हो। तो एक्चुअल में हम सबको डेली लाइफ में बहुत से मसले आ रहे होते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे ही गुजार देते हैं, उन्हीं के साथ यूज टू हो जाते हैं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, हम इनको बेटर बनाया जा सकते हैं। इसकी ये एक एग्जाम्पल थी कि उन्होंने उसकी इसकी नीड को फील किया और उसके बाद उन्होंने कोई इसमें ना तो कोई बहुत मुश्किल काम इन्वॉल्व है, जस्ट देखें कितनी अच्छी तरह से उन्होंने उसे बनाया हुआ है। अच्छा, हमारा कोर्स है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तीन पार्ट्स हैं इसके, एक ह्यूमन है कंप्यूटर इंटरेक्शन। ह्यूमन का क्या मतलब है, इंसान, हम लोग, हम सब लोग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कोर्स का। ह्यूमंस ने चीजों को यूज करना होता है। अब हम ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज होती हैं उनको माइंड में रखते हुए चीजों को इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि चीजें जो हों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हों, चीजें खुद से बताएं कि उनका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल इधर यहाँ पे चेयर पड़ी हुई है, चेयर सेल्फ से देखते ही समझ आ रहा है कि इसके ऊपर बैठना है, यहाँ बैठने के लिए बनाई गई है, मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। फैन आपका स्विच है, स्विच का मतलब है कि ये प्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डोर है तो डोर के ऊपर हैंडल लगा हुआ है, तो मुझे देखने से समझ आ रही है मैंने इस हैंडल से पकड़ के खींचना है, मैंने इस हैंडल को पुल करना है तो डोर ओपन हो जाएगा। तो इसे इस तरह से बननी होनी चाहिए कि वो देखने से समझ आ जाए कि हमें इसको कैसे यूज करना है, यूज करने के लिए मैनुअल ना पढ़ने पड़े। ह्यूमन की नेचर है वो कभी भी मैनुअल नहीं पढ़ते। अच्छा, यहाँ पे बात आती है, अभी हमने इधर दूसरी एग्जाम्पल देखनी है डेली लाइफ में से, हम बात करते हैं कंप्यूटर की लाइफ,
कंप्यूटर में सेम इसी तरह एप्लीकेबल होता है कि इंटरफेस जो कंप्यूटर के होते हैं, जो आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप डिफरेंट एप्लीकेशन बनाते हो या कोई भी चीज आप जो बनाते हो, उनके इंटरफेस जो होते हैं जिनको ह्यूमंस ने चूज करना है, ह्यूमन ने उस सॉफ्टवेयर के साथ जो इंटरफेस इंटरेक्ट करना है, आप जो इंटरफेस है उसको इस तरह का होना चाहिए कि जो यूजर जो अपने माइंड में सोचता है ह्यूमन की, सबसे पहले इसके लिए हमें ह्यूमन की कुछ कैपेबिलिटीज को पढ़ना होता है कि इंसान की किस तरह से परसीव करता है। अब उनको लर्न करने के बाद आप जो इंटरफेस बनाओगे तो वो ज्यादा यूजेबल होगा एज कम्पेयर टू कि आपने वैसे ही एक इंटरफेस वैसे ही बना दिया, ड्रैग ड्रॉप किया, बटन लगा दिए और वो आपने कर दिया। एक पार्ट ये हो गया, हमें ह्यूमन की अंडरस्टैंड करनी होती है। सेकेंड कंप्यूटर पार्ट है इसका। अब कंप्यूटर में जो हमारे पास डिवाइस है जिसपे सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है, आपका मोबाइल फोन है, नेटवर्क डिवाइस है, इंटरनेट पे आप कुछ कर रहे हैं, या कोई भी डिवाइस जिसपे आपका सिस्टम चल रहा होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एक तो कुछ ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज होती हैं, हमें उनको माइंड में रखते हुए इंटरफेस बनाना होता है, और कुछ कंप्यूटर्स जो होती हैं वो हमारे पास लिमिटेशन होती हैं कि हमें इतनी स्पेस है, हमारे पास इतनी स्पेस इतनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमारे पास इतना एरिया अवेलेबल है, इतनी रेजोल्यूशन है, ये चीज़ें हैं, तो हम इसके अंदर रहते हुए बना सकते हैं। कुछ लिमिटेशन होती हैं, उन लिमिटेशन को माइंड में रखते हुए बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी होती है। थर्ड पार्ट इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन में वो इंटरफेस है, अब ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों ने इंटरेक्ट करना है एक दूसरे के साथ बेटर रिजल्ट गेट करने के लिए, और वो इंटरेक्ट को इंटरफेस करते हैं। वो इंटरफेस जो होता है उस इंटरफेस को आपने डिजाइन करना है इस कोर्स में, और उसको बेटर बनाने के लिए आपने डिफरेंट टेक्निक्स देखनी है, और देन उस इंटरफेस को एक अच्छे इंटरफेस को बनाने के बाद, एक तो सबसे पहले हम नीड कहाँ फील करेंगे कि यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसके बाद हम उस चीज को इम्प्रूव करेंगे, और उस चीज को इम्प्रूव करने के बाद अवेलुएट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद अवेलुएट करेंगे कि क्या ये जो हमने नई चीज बनाई है वो बेटर है भी या हमने जस्ट टाइम वेस्ट किया है। अगर बेटर है तो ठीक है, अगर नहीं भी है, अगर हमें वो इस टाइम पे इतना सही रिजल्ट नहीं दे सकती लेकिन हम उसमें कुछ और चीजें ऐड करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे बेटर बना सकते हैं, और दोबारा से रीटेस्टिंग, दोबारा से एवेलुएशन कर लेते हैं कि उसे एक अच्छा इंटरफेस बनाने के लिए। तो हमारा ये सारा कोर्स जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है। ह्यूमन इसका एक पार्ट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करनी होती है, ये कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर का एक इंटरेक्शन में एक इंटरफेस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जिसके साथ ह्यूमन बात कर रहा होता है। हमारा मेन फोकस इस इंटरफेस को इतना यूजेबल बनाना है कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ये यूजर को डिफिकल्टी ना हो इसे यूज करने में। अगर फर्स्ट टाइम कोई यूजर आता है तो इसकी लर्निंग टाइम मिनिमम हो, वो जल्दी से अंडरस्टैंड कर ले कि इसका क्या मतलब होगा, और वो उसे मिनिमम एरर के साथ काम कर ले। तो अभी तक जो हमने देखा इसका कोर्स का गोल क्या है, इसमें हम इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, डिजाइन में आते हैं। लाइक मैंने इनिशिएट किया, मुझे लगा कि कोई चीज इंप्रूव की जा सकती है, मैंने उसकी नीड फील की, उसके बाद मैंने उसके स्केचेस बनाना है। डिजाइन में बहुत सी चीजें, बहुत सी स्टेजेस आती हैं। इनिशियल स्टेजेस होती हैं जिसपे हम पेपर पे ड्रा करते हैं, फिर हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सी नई चीजें आ जाती हैं। उसके बाद हम उसको इम्प्रूव करते हैं, फिर हम इम्प्रूव करके एक और स्केच बनाते हैं, जैसे हम बना के फिर पेपर पीछे फेंकते जाते हैं, थ्रो अवे प्रोटोटाइप इनको बोलते हैं, पेपर प्रोटोटाइप को। उसके बाद जब हम फाइनल हो जाते हैं तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, वायर फ्रेम की स्टेजेस आती हैं, वो सारी हम वन बाय वन अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अब उसके बाद हम जब फाइनल हो जाते हैं, ये हमारा बेस्ट डिजाइन है, तो हम उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम अवेलुएट करते हैं यूजर। अवेलुएशन के भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यूजर से अवेलुएट करवा सकते हैं, लैब में बुला के कुछ लोगों को पुराना इंटरफेस देते हैं, कुछ को नया देते हैं, और कहते हैं कि ये आप टास्क परफॉर्म करें, देखते हैं कि पुराने वाले जो हैं वो ज्यादा एरर कर रहे हैं या नए वाले ज्यादा कर रहे हैं, जो नया इंटरफेस यूज कर रहे हैं, जो पुराना इंटरफेस यूज कर रहे हैं वो जल्दी काम कर रहे हैं, जो नया इंटरफेस यूज कर रहे हैं वो जल्दी काम कर रहे हैं।
इस तरह डिफरेंट चीजों को मेजर करके हम आउटपुट निकाल लेते हैं कि ओवरऑल हमारा कौन सा इंटरफेस ज्यादा बेटर है, और उस बेस पे अगर हमारा इंटरफेस बेटर होता है तो हम उसे मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, और अगर आपको लगता है स्किल हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हम जो पार्ट ऐड करना चाहते हैं उसे डिजाइन करके इंप्लीमेंट करते हैं, एवेलुएट करते जाते हैं। हर जगह पे हर वक्त इंप्रूवमेंट की स्पेस बाकी होती है, तो आप किसी भी चीज को इंप्रूव कर सकते हो, ये साइकिल की फॉर्म में चलती रहती है। अच्छा डिजाइन क्या होता है? एक अच्छा डिजाइन वो होगा जो के मीन मुझे डिजाइन को देख के, ये इस तरह का डिजाइन भी अच्छा नहीं होगा कि मैं उस डिजाइन को ही देखती हूँ, आपने डिजाइन बहुत अच्छा से बनाया है, कलर स्कीम ऐसे यूज की हुई है कि मैं उस डिजाइन को, मैं जिस टास्क को मैंने परफॉर्म करना था वो टास्क को परफॉर्म करने की बजाय, फॉर एग्जाम्पल मुझे आप वो साइट पे आके कुछ सर्च करना था तो मैं वो काम परफॉर्म करने की बजाय किसी और चीज में चली जाऊँ, आपने वहाँ पे ऐसे स्टिकर्स लगाए हुए हैं और ऐसी चीजें लगाई हुई हैं कि मैं अपना जो जिस मकसद के लिए एक्चुअल में जो काम के लिए मैं उस साइट पे गई थी, मैं उस साइट को पे वो परफॉर्म करने की बजाय मैं कुछ और करने लग जाती हूँ, किसी और टास्क में निकल जाती हूँ, तो मैंने एक्चुअल में अपना टास्क परफॉर्म नहीं किया, तो ये भी एक अच्छा इंटरफेस नहीं है। अच्छे इंटरफेस को नॉन एक्सक्लूसिव होना चाहिए, कोई हर्डल नहीं आने, जिस टास्क के लिए जिस काम के लिए यूजर आया है वो उसको उसमें सपोर्ट करे, ये नहीं है कि यूजर का माइंड ही इधर उधर लगा दे। तो एक अच्छे इंटरफेस को में ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए, एक तो नॉन एक्सक्लूसिव मैंने कहा है, बात की है कि होना चाहिए उसमें कोई हर्डल नहीं आनी चाहिए, कोई वो यूजर के माइंड को कहीं और डाइवर्ट ना करे, जिस टास्क के लिए वो आया है वो उसी में उसकी हेल्प आउट करे, उसको उसी तरफ उसका काम जल्दी कर दे। तो एक अच्छे टास्क इंटरफेस को, अच्छे डिजाइन को अफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए एंड सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अब इन तीनों टर्म्स का क्या मतलब है? अच्छा डिजाइन एक क्या होता है? अफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है और सेटिस्फेक्ट्री होता है। अफेक्टिव क्या होगा? हम इन नंबर ऑफ एरर्स की फॉर्म में बात करते हैं। अब जैसे अफेक्टिव एक क्वालिटेटिव टर्म है, क्वालिटी मुझे नहीं पता, अगर आप कहते हैं कि मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आता है वो कहता है कि मेरा इंटरफेस जो है ज्यादा इफेक्टिव है, दूसरा कहता है मेरा ज्यादा इफेक्टिव है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ, ये क्वालिटेटिव टर्म है, कैसे कह सकती हूँ कि किसका ज्यादा इफेक्टिव है? तो हमें इस चीज को क्वांटिफाई करना पड़ता है। क्वालिटेटिव को क्वांटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट मैट्रिक्स यूज करते हैं, आपने ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा तो डिफरेंट मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं। आप उन मैट्रिक्स को यूज करते हुए आप क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव बना सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अफेक्टिव एक क्वालिटेटिव टर्म है, मेरे पास दो स्टूडेंट आते हैं, वो एक कह रहा है मेरा ज्यादा इफेक्टिव है, दूसरा कहता है मेरा ज्यादा इफेक्टिव है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं रैंडमली कुछ लोगों को बुलाती हूँ क्लास में, पांच लोगों को एक स्टूडेंट का इंटरफेस दे देती हूँ, पांच लोगों को दूसरे का दे देती हूँ, और एक टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कीबोर्ड बनाया है, दो स्टूडेंट ने कीबोर्ड बनाया है, डिजाइन किया है नया, कीज इधर उधर करके, तो मैं कहती वो कह रहे हैं कि हमारा बेटर है। अब मैं क्या कहती हूँ, मैं पांच लोगों को एक बच्चे का एक स्टूडेंट का दे देती हूँ इंटरफेस, और पांच दूसरे जो लोग हैं उनको स्टूडेंट बी का दे देती हूँ। अब देखती हूँ कि किस में एरर ज्यादा हो रही है, बच्चे किस में, एक फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे देती हूँ, एक मैसेज टाइप करने के लिए दे देती हूँ। अब क्या इंटरफेस ए वाले जो लोग हैं वो ज्यादा एरर कर रहे हैं या इंटरफेस बी वाले लोग ज्यादा एरर कर रहे हैं? तो जिस वाले लोग ज्यादा एरर कर रहे होंगे वो उसका इफेक्टिव नहीं होगा, जिस इंटरफेस में मिनिमम एरर होंगी, जिस इंटरफेस को यूज करते हुए एरर रेट मिनिमम होगा वो बेटर ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो मैं इस तरह से इफेक्टिवनेस को क्वांटिफाई कर लेती हूँ कि ये वाला इंटरफेस ज्यादा बेटर है, मैं इस बेस पे कह सकती हूँ कि स्टूडेंट बी जो था वो उसका इंटरफेस ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैं उसे ज्यादा मार्क्स दूंगी। तो इस तरह से इसे क्वांटिफाई कर लिया जाता है। दूसरी बात आती है एफिशिएंट इंटरफेस की, एफिशिएंसी की बात है। अगर हम पिछली जो एग्जांपल हमने डिस्कस की है उसी को पे मैं अगर बात करती हूँ,
एफिशिएंट कौन सा इंटरफेस ज्यादा है। अब मैं वही टास्क, मैंने पांच लोगों को इंटरफेस ए दिया हुआ है, पांच लोगों को इंटरफेस बी दिया हुआ है, एक मैसेज टाइप करने के लिए, लॉन्ग सा मैसेज टाइप करने के लिए दोनों को दिया हुआ है। अब बी पे जो, बी के जो लोग हैं उन्होंने एरर कम की है, ए के लोग जो हैं उन्होंने एरर ज्यादा की है, तो बी जो है इफेक्टिव ज्यादा है। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है, टाइम कितना लिया है। अब एक मैसेज जो मैंने दिया था टाइप करने के लिए, अब इंटरफेस ए वाले लोगों ने ज्यादा टाइम लिया है या बी वाले लोगों ने ज्यादा टाइम लिया है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ए वाले लोगों ने 4 सेकंड लिए थे वो मैसेज टाइप करने के लिए और बी वाले लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड ले लिए थे वो मैसेज टाइप करने के लिए। तो उस केस में आपका जो इंटरफेस ए है वो एफिशिएंट तो ज्यादा है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। वहां लोग टाइप तो जल्दी कर लेते हैं लेकिन एरर ज्यादा करते हैं, लेकिन इंटरफेस बी जो है उसमें एरर बहुत कम हो रही है, टाइप पे टाइम ज्यादा लग रहा है। थर्ड में सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक ये भी एक क्वालिटेटिव टर्म है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से मैनुअली पूछ सकते हैं, वन बाय वन हर पर्सन के पास जाके आप एक रेटिंग क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं, जैसे सेटिस्फाइड से लो से हाई तक एक स्केल बना लेते हैं। उस स्केल पे आप लोगों को सेटिस्फेक्शन जो है वो लोगों से वन बाय वन पूछ लेते हैं और उसके रिजल्ट की बेस पे आप सेटिस्फेक्शन को भी क्वांटिफाई कर लेते हो। ये आपका के कौन सा इंटरफेस से, फॉर एग्जांपल बी वाले लोग कहते हैं कि हम इस इंटरफेस को यूज करने से ज्यादा सेटिस्फाई हुए हैं, तो इस तरह से इसको वैल्यूएट कर लिया जाता है कि तो एक अच्छे इंटरफेस को क्या, एक अच्छे डिजाइन को में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और यूजर उसको यूज करने के बाद सेटिस्फाई हो। अफेक्टिवनेस क्या है, उसको यूज करने में एरर्स कम से कम आने चाहिए। एरर कम किस केस में आएगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरफेस को यूज करती हूँ और मैं उससे परसीव वही चीज कर लेती हूँ जो एक्चुअल जो टास्क वो परफॉर्म होता है वही परसीव करती हूँ, तो मेरी एरर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा ये बटन जो है प्रेस करने से फैन ऑन हो जाएगा, अगर मैंने प्रेस किया और फैन ऑन हो गया इसका मतलब एरर नहीं हुई, मैंने परसीव किया बटन प्रेस करने से फैन ऑन होगा लेकिन वो फैन ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब है ये एरर है। तो एक अच्छा डिजाइन जो होगा उसमें जो ह्यूमन परसीव करेगा वही चीज परफॉर्म होगी, और एफिशिएंट के वो टास्क जल्दी परफॉर्म कर ले, मिनिमम टाइम में परफॉर्म करे, और सेटिस्फेक्शन जो के आप ह्यूमन से वन बाय वन गेट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इफ यू वांट टू डिजाइन अ न्यू इंटरफेस फॉर फाइंडिंग कॉन्टैक्ट्स ऑन ए स्मार्टफोन, आपका जो मोबाइल फोन है आप चाहते हैं कि जो कॉन्टैक्ट हम, मैं आपसे फॉर एग्जांपल कहती हूँ अली का नंबर ढूंढे, अली का नंबर मुझे दे दे, आपके पास में से कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है मैं उसे कहती हूँ कि अली का नंबर मुझे चाहिए, या फॉर एग्जांपल सीएसके जो सीआर है उसका नंबर मुझे चाहिए। अब वो बच्चा अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से वो नंबर सर्च करता है, अब वो नंबर सर्च जब वो कर रहा है तो एक इंटरफेस आपको दिया जाता है, मैं कहती हूँ कि वो इंटरफेस जो है वो इतना अच्छा नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, आप उसको बेटर बना सकते हो, एक अच्छा इंटरफेस उस जगह पे ला सकते हो। अब उसको इम्प्रूव करना है, आपने नया इंटरफेस बनाना है, अब नया इंटरफेस अगर आप डिजाइन करेंगे वो सारा कम्प्लीट प्रोसेस के थ्रू पेपर प्रोटोटाइप बनाएंगे, सारे काम करने के बाद आपने बना लिया, इम्प्लीमेंट भी कर लिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसकी एवेल्युएशन करनी है। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया है कि मैंने डिफरेंट तरह के लोगों को, कुछ लोगों को पुराना इंटरफेस दे दिया, कुछ को नया दे दिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट एक बना ली, अब उस लिस्ट में से वो सर्च करेंगे कि कौन सा इंटरफेस जो है वो ज्यादा बेटर है। अच्छा वो लिस्ट में से वो सर्च करने होंगे उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट्स, अब कौन से लोग जो है वो पुराने इंटरफेस को जो यूज कर रहे हैं वो जल्दी कॉन्टैक्ट्स ढूंढ लेते हैं, या नए इंटरफेस को जो यूज कर रहे हैं वो जल्दी ढूंढ रहे हैं, क्या वो राइट कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हैं या रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हैं, कुछ गलत ढूंढ सकते हैं। तो इस केस में आप इस एग्जांपल में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और सेटिस्फेक्शन जो मैंने लास्ट आपको क्लियर किया है, उस क्या होगी,
ऊपर जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो एक कॉन्टैक्ट को फाइंड करने का प्रोसेस होता है, वो जो इंटरफेस है वो आप रीडिजाइन कर रहे हैं, आपने नया इंटरफेस बना लिया, आप कहते हैं मैंने नया बनाया है वो बेटर है, अब आप किस बेस पे आपने उसे एवेलुएट करना है, किस बेस पे आप कह सकते हैं आप एवेलुएशन करेंगे, एवेलुएशन की रिजल्ट की बेस पे कह सकते हैं कि मेरा बेटर है क्योंकि उन्होंने कम टाइम लगाया, कम एरर्स किए हैं, पुराने में वो एरर टाइम ज्यादा लगाते थे, एरर्स करते थे, यूजर उससे सेटिस्फाई नहीं थे, मेरे से यूजर सेटिस्फाई हैं, आप ये सारा आप एवेलुएशन करके कह सकते हो। अब एवेलुएशन में आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, इफेक्टिवनेस इस केस में क्या होगी, सेटिस्फेक्शन क्या होगी, आपने ये बतानी है। चलिए सोचे, इस केस में मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी क्या होगी, यूजर ने कॉन्टेक्ट जो है वो जल्दी फाइंड कर लिया है, जैसे हम बात कर रहे हैं मैंने CS बैच 13 के CR का नंबर लेना था, अब वो नंबर मुझे चाहिए था, कॉन्टेक्ट दोनों ग्रुप्स को मैंने दे दिया, एक को पुराना इंटरफेस दिया, एक को नया दिया, उन्होंने फाइंड करना था मल्टीपल, इस तरह मैंने कॉन्टेक्ट फाइंड किए, मुझे नंबर फाइंड करने थे, अब मैंने वो उन्होंने जब सर्च किया तो जो पुराने इंटरफेस वाले लोग थे उन्होंने कम टाइम लगाया, नए वालों को टाइम बहुत ज्यादा लगा ढूंढने में, तो इस केस में पुराना जो है वो एफिशिएंट है ज्यादा। इफेक्टिवनेस की बात अगर हम करें तो एक्चुअल में जैसे CR बैच 13 BS CS का मुझे नंबर चाहिए था, तो वो उसने क्या वही नंबर फाइंड किया है या किसी कोई और नंबर फाइंड कर दिया, हो सकता है कि वो गलत नंबर मुझे फाइंड कर दे। करेक्टनेस एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जितने भी कॉन्टैक्ट मैंने फाइंड किए वो सही कॉन्टैक्ट फाइंड हुए हैं उस इंटरफेस से। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड को आपने कॉल करनी है, आप जल्दी में कॉन्टैक्ट लिस्ट में से नंबर ढूंढते हो और आप फ्रेंड को कोई बात आपने जल्दी से बतानी है, आपके माइंड में आया हुआ है कि आपने ये बात जल्दी से उसे कन्वे करना है मैसेज, और आप बजाय इसके फोन मिलाते हो, कॉन्टैक्ट ढूंढते हो जल्दी से और मिला के कॉल कर देते हो, कॉल उसके पापा को होती है, और आप बजाय इसके आप दूसरी साइड से सुनो आप जल्दी से वो बोल देते हो, वो सब कुछ आपने बोलना पापा के सामने तो नहीं था, आपने वो बोल दिया, वो गलती कर दी ना आपने, जल्दी जल्दी में आपने वो नंबर आपको उसके फादर का मिला और सामने आया और आपने उसी को मिला दिया, आपने उसके डैड के नाम से सेव किया हुआ था। सेटिस्फेक्शन आप वन बाय वन इंटरफेस से लोगों के पास जाकर पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा इस इंटरफेस को एक स्केल डिफाइन किया हुआ है और उस पर आप कितना हैप्पी हुए हो इस इंटरफेस को यूज करने से। अच्छा, आपके सामने एक ये अलार्म क्लॉक दी हुई है, आप सबने शायद इसको यूज किया हो या एटलीस्ट देखा होगा, तो क्या ये अच्छा डिजाइन है या बुरा डिजाइन है? अच्छा डिजाइन है मैम। किस सेंस में अच्छा है? ओल्ड इज गोल्ड, मतलब आप उसके उसको दें बुरा, अगर आप बुरा कहते हैं तो वो कैसे कहेंगे और अच्छा कहते हैं तो कैसे कहेंगे? हमने उस चीज को उसके आपने अब क्या करना है, थोड़ी देर आपने अपने माइंड को खोलना है। आप लोगों ने क्या होता है, हमारा एक सिस्टम बना होता है, हम जस्ट गो थ्रू करते जाते हैं अपने माइंड से कोई आइडियाज को नहीं निकालते। मैं ये कुछ एग्जांपल्स देने और ये सारी बातें बताने का मकसद क्या होता है कि आप अपने माइंड को खोलना स्टार्ट कर दें, जो जंग लगा हुआ है तो वो चीज़ों को निकालने स्टार्ट करें। अब आपके बहुत सी ऐसी चीजें आती होंगी आपके सामने जिनमें आपको मसला लगता होगा और आपके जहन में ब्रिलियंट आइडिया आते होंगे उसके बारे में, लेकिन आप उसको आगे लेके इसमें AM PM शो नहीं हो रहा। जी AM और PM शो नहीं हो रहा, ये भी मिस्टेक है इस क्लॉक में, और इसकी जगह अगर डिजिटल हो तो उनमें वो डिजिटल में नंबर भी शो होंगे, इसमें कभी कभार बंदा सोया उठे तो मिस्टेक भी लग सकती है टाइम की, छोटी सुई और बड़ी सुई की। हाँ, इसके अलावा जिस मकसद के लिए जो चीज होती है आप सोचा करें क्या वो मकसद पूरा कर रही है। अब मैं अगर इसको सोचूं, ये अलार्म क्लॉक जो है ये मुझे जगाने के लिए है, अब मोस्टली इसमें क्या होता है, इसके ऊपर वो एक बटन होता है जिसको आप क्या बहुत ज्यादा नींद में हो, आप सोए हुए हो तो आप उसको प्रेस करके दोबारा से सो जाते हो, दोबारा तो ये बजेगी नहीं, आप उसको प्रेस करोगे नींद में सो जाओगे, सोए सोए उठोगे और जो आपकी फॉर एग्जाम्पल आपने कहा अच्छा मैं 10 मिनट बाद उठ जाता हूँ,
आपने क्लास का अलार्म लगाया हुआ था, आपने कहा 10 मिनट बाद उठ जाता हूँ, आपने उसको प्रेस किया और दोबारा से सो गए, और आपकी क्लास 8:30 थी और आप 11 बजे जाके उठे हो। तो क्या जिस मकसद के लिए ये डिवाइस बनी हुई है उसको, इसका मकसद है जगाना है इसमें आपको, क्या वो आपको जगा रही है, क्या वो पूरा कर रही है जिस मकसद के लिए? तो एक अच्छा डिजाइन जो है वो जिस मकसद के लिए है उसने वो काम पूरा करना है, वो एक अच्छा डिजाइन। तो मैम काम तो इसका पूरा हो रहा है ना, वो अलार्म दे के जगा रही है, बाद में बंदे ने उठना ना उठना ये तो बंदे की है ना बात। अलार्म वो ही बता रही हूँ ना, अलार्म हो सकता है आपने सोचा है कि मैं 5 मिनट के बाद उठ जाता हूँ। अब इसके पास ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती कि वो 5 मिनट के बाद दोबारा अलार्म कर देती, 10 मिनट के बाद, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप बटन प्रेस करके आप कैसे सो जाओगे। तो जिस ये आपको एग्जांपल नॉर्मल लाइफ में से मैंने दी है, तो हर जगह पे आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, जो इंटरफेस यूज कर रहे हो, क्या वो उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट की प्लेस जरूर होती है जहां से उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो आप वहां से लेके चलो और उसको बेटर बना के आप आगे जा सकते हो। ये जो एग्जांपल आपको दी हुई है कि बैड डिजाइन जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली क्या, फॉर एग्जाम्पल बहुत सी जगह पे हमारे अभी तो ऑपरेशन हो चुकी है, वैसे हमारे पहले जो ATMs होते थे, जैसे मैंने 5000 विदड्रॉ करवाना है तो हमें आगे 0000 ऐड करनी पड़ती थी। तो इतने लोग, मिलियंस लोग जो हैं वो ATM को यूज कर रहे हैं, अब वो हर 0000 ऐड करते हैं। 0000 ऐड करने में एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के पूरी लाइफ में सिर्फ 5 आवर्स गुजर जाते हैं जो कि वो जीरो ऐड करता रहता है। अभी तो इसको बेटर बना दिया गया है। मैं ये एक एग्जांपल आपको इसलिए कोट करती जा रही हूँ एग्जांपल, ताकि आपका माइंड में आप डिफरेंट एग्जांपल को देखें, विजुलाइज करें, आपको चीजें समझ आए और आप अपने इर्द गिर्द चीजों को कहाँ इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है ये सोचें। ये किस चीज का इंटरफेस है आपके सामने? सी लैंग्वेज का बेटा, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट दिया गया है जो कि टाइम कंसोल, जो आप कमांड प्रॉम्प्ट आपने कभी यूज की है? यस मैम, CMD। उसमें आपका टाइम चेंज करने कैसे किया जाता है ये उसका प्रोसेस शो हुआ हुआ है। सी लैंग्वेज का कोड नहीं है ये, कमांड प्रॉम्प्ट है जिसमें आपने टाइम चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम चेंज करना है, मैं 3 डिफरेंट तरह के इंटरफेस दिखाती हूँ आपको टाइम चेंज करने के लिए। हम सिर्फ टाइम चेंज करने की बात कर रहे हैं। ये एक इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं टाइम चेंज कर सकती हूँ, एक ये इंटरफेस है जिसके थ्रू टाइम चेंज किया जा सकता है, और एक ये इंटरफेस है जिसके थ्रू टाइम चेंज किया जा सकता है। कौन सा ज्यादा बेटर है? आईफोन वाला मैम, लास्ट वाला। आप जहाँ पे देखें एक ही काम को परफॉर्म करने के आपको कितने 4 डिफरेंट वेज बताए गए हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखें इम्प्रूवमेंट होती गई, पहले टाइम चेंज करने के लिए आपका ये मेथड था, मेथड को इम्प्रूव किया गया, इम्प्रूव टाइम के साथ साथ प्लेटफॉर्म चेंज होते हैं, इम्प्रूवमेंट की आपके पास स्पेस आती है और आप उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो। कोई भी जगह ऐसी नहीं होती कि वहां पे स्ट्रैक हो गया, आप तो ये फाइनल चीज बन गई है। अब आपके जहन में क्या आता है कि हमने ये चीज बना ली है, अब यहाँ पे आके इसके बाद इसमें कोई बेटर इम्प्रूवमेंट नहीं लाई जा सकती। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होती कि इसके बाद इम्प्रूव ना किया जा सके, हर जगह पे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की स्पेस बाकी होती है। ये एग्जाम्पल भी आपको इसलिए दिखाई है ताकि आपके जहन थोड़े से खुले और आप चीजों को इस एंगल से देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही होंगे कि आपने चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा, वो आपने डिसाइड करने हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को, सॉफ्टवेयर को, डिफरेंट चीज़ों को देखना शुरू करते हैं कि किस में क्या गलती है, कहाँ स्पेस बाकी है जिसको बेटर बनाया जा सकता है। ये एक सेकेंड बुक थी आपकी डोनाल्ड नॉर्मान की, जो मैंने बुक PDF के फॉर्म में आपको दी हुई है। चले आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बात। यस मैम, ठीक।